फेमस सीरियल दिया और बाती हम से फेम पाने वाली एक्ट्रेस दीपिका सिंह गोयल ने एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर दिल्ली सरकार के लिए बनाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में रहने वाली उनकी 59 वर्षीय माँ कोरोना पॉजिटिव है और उन्हें दिल्ली के अस्पताल में एडमिट नहीं किया जा रहा है। दीपिका वैसे तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के जरिए दीपिका ने कहा है कि 4-5 दिन पहले दिल्ली के लेडी हॉर्डिंग हॉस्पिटल में उनकी माँ का कोरोना टेस्ट हुआ था और टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव निकली, मगर जब उनके पापा कोरोना रिपोर्ट लेने गए तो उन्हें कोरोना की रिपोर्ट देने के बजाय उन्हें उस रिपोर्ट की एक फोटो लेने को कहा गया। दीपिका का कहना है कि इस कोरोना रिपोर्ट की फोटो के आधार पर उनकी मां को दिल्ली के किसी अस्पताल में दाखिला नहीं मिल रहा है। ये मैसेज एक रिक्वेस्टिंग मैसेज है, स्पेशली टू दिल्ली गवर्नमेंट एंड अरविंद केजरीवाल जी। सर, मेरी मम्मी जो है उनकी उम्र 59 ईयर्स है और वो दिल्ली में है मेरे फादर के साथ में, और उनकी आज की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है कोरोना की। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में उनका टेस्ट हुआ कुछ 4-5 दिन पहले, मगर रिपोर्ट जो है उनको अभी तक हाथ में नहीं दी है। सिर्फ पापा को बोला कि उस रिपोर्ट की फ़ोटोग्राफ खींच के ले जाए, और उनके पास व्हाट्सअप भी नहीं है। हमारे हाथ में रिपोर्ट नहीं है तो हम किसी हॉस्पिटल में भी उनको नहीं दिखा सकते। ऐसे में दीपिका ने वीडियो के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार से अपील की है कि उनकी कोरोना पॉजिटिव मां को अस्पताल में दाखिला दिलाने में मदद करें। इस वीडियो में बेहद इमोशनल नजर आ रही दीपिका ने कहा है, इस वक्त उनकी मां काफी बीमार है और उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। दीपिका ने बताया है कि उनकी मां दिल्ली के पहाड़गंज के आर्य नगर इलाके में 45 लोगों के साथ ज्वाइंट फैमिली में रहती है और ऐसे में उनके साथ रहने वाले सभी को कोरोना होने की संभावना है। दीपिका ने आगे कहा कि उनके परिवार में से उनके पापा में भी कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उनकी दादी को भी सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही। उनके मुताबिक ऐसे में परिवार के अन्य लोगों का भी टेस्ट लिया जाना जरूरी है। 4 मिनट के इस वीडियो पोस्ट में दीपिका ने विस्तार में अपनी बात रखते हुए कहा है कि वो 2 साल के बेटे की माँ है, ऐसे में वो खुद अपनी माँ के पास दिल्ली नहीं जा पा रही हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपनी बहन अनामिका सिंह को अपनी माँ की देखभाल के लिए भेजा है। मैं यहाँ बॉम्बे में हूँ, मेरा एक छोटा बेटा है, मेरे लिए यहाँ से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। कल मेरी बहन अनामिका सिंह उनके पास फ्लाइट से गई है, पर उसको भी नहीं पता था कि मम्मी की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मम्मी को सिर्फ फीवर था और टेस्ट नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ का। इसी वजह से विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन हमने जो है उनका टेस्ट करवा दिया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू रिएक्ट। ऐसा लग रहा है कि जैसे समय का पहिया जो है उल्टा चलना शुरू हो गया है। तो अभी सर प्रॉब्लम ये है कि मेरी मम्मी जिस फैमिली में रहती है, मेरी जो जॉइंट फैमिली है पहाड़गंज में आर्या नगर में, वो कुछ 45 लोग एक साथ रहते हैं एक जॉइंट फैमिली में। मेरी दादी को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और मेरे पापा भी सस्पेक्टेड हैं। मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था, कल से वो उनकी सेवा कर रही है, आज ही उसको पता चला है कि मम्मी पॉजिटिव है। तो कई सारे लोगों का टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीपिका का कहना है कि बहन भी माँ के दाखिले को लेकर बेहद परेशान है और ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। आपको बता दें कि दीपिका ने सीरियल दिया और बाती हम में लीड रोल निभाया था और ये सीरियल कई सालों तक लगातार लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा था।